वो देखिए लिफाफों से गंद डाल रहा है वो बैठा ऊपर। लाओ बैठो आप। अब चल रहे हैं हम वापस डलहौजी की ओर। ऊपर से बोल रहे हैं वो सेफ नहीं है बारिश की वजह से। हम टाइम जरूर ज़्यादा लेंगे बट कवर करेंगे। ओके गाइस बाय बाय। नीचे गिर जाएगा स्लिप होके। बाय सी यू। ये किधर होगा कि यार मैं वाई। लेट्स गो गाइस। धीरे धीरे जाएंगे बी सेफ। अब हम जा रहे हैं डलहौजी को। वो बोल रहे हैं आगे का जो पहाड़ियां हैं मैक्लोडगंज के जाने के लिए यहाँ से वो थोड़ी सी मिट्टी वाली है जिसमें से लैंडस्लाइडिंग हो जाती है। तो हमें थोड़ा सा रिस्क लग रहा है कि प्लान कैंसिल ना करना पड़ जाए। अभी हम डलहौजी की ओर जा रहे हैं। वहाँ से देखेंगे हमें वापस जाना चाहिए या मैक्लोडगंज जाना चाहिए। तो यहाँ का वेदर और खजियार का मौसम देख के मैं तो फुल ऑसम फीलिंग में हूँ। तो डलहौजी जाके बताते हैं अभी प्लान क्या होगा आगे का। तो इसी तरह बने रहिए। वीडियो का लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिए। मालवा आईडी। वाओ हम बिल्कुल धीरे धीरे जा रहे हैं। हमें कोई भी जल्दी नहीं है। हमारे पास टाइम बहुत है। अगर हम अभी भी चले अभी 10:30-11 बजे हैं तो मैक्लोडगंज पहुंच जाएंगे। बट हमें सेफ्टी मस्ट है। सेफ्टी के साथ कोई भी रिस्क नहीं लेना। तो उसको पहले प्रेफर करेंगे फिर आगे जाएंगे। मौसम बहुत बढ़िया शानदार है। कंटिन्यूसली वीक का जो है मौसम बारिश का दिखा रहा पहाड़ों में। अभी स्टार्ट ही हुई है तो हम रिस्क में नहीं है। अगर 2-3 दिन पड़ जाए तो ये पहाड़ पूरे गीले हो जाएंगे। फिर गीले होके मिट्टी खिसकने लग जाती है तो लैंडस्लाइडिंग होने शुरू हो जाती है। तो अभी हम बिल्कुल सेफ जा रहे हैं। एक भी चीज़ ऐसी नहीं लगी भी जो हमें रिस्की हो। बाकी इसमें जो खजियार का रास्ता है थोड़ा सा अनसेफ जरूर है। बाकी रोड बिल्कुल सही है। अनसेफ इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सिंगल रोड है। कहाँ से क्या जाए गाड़ी वगैरह बंदा घबरा जाता है। तो बस उसी की वजह से कुछ हो सकता है। तो धीरे चलाएं सेफ्टी से चलाएं। वेदर को एंजॉय कीजिए। मैं बार बार इसको साफ कर देता हूँ। बारिश की बूंदें इसको वीडियो बनाने नहीं देती। ये बुलडोजर वगैरह लगाए होते हैं यहाँ पे इन्होंने अगर कुछ भी हो जाए यहीं से चला के उसको वे को साफ कर देते हैं एंड ज़्यादा कंज्यूम ना हो। रजिस्टर का भी अपना भी नीचे से लाएंगे तो काफ़ी टाइम तो ऊपर आने को लग जाएगा। तो उसकी स्पीड भी स्लो होती है तो पीछे ट्रैफिक जाम हो सकता है। आते वक्त ये रोड पे पानी नहीं था। अभी पानी जमा हुआ है। यानी कि जो बारिश रात को शुरू हुई है उसकी वजह से अब पानी रुकने लग गया है। वाओ क्या ऑसम वेदर है। बारिश देखिए भाई। बचपन से ही बारिश में नहाने का इतनी
बाहर पिटाई हुई है ना, और बारिश के पीछे घर वालों ने इतना पीटा था मेरे को, फिर भी ये आदत छूटी नहीं। आज भी वही है, वैसे ही है। अभी घर जाएंगे इतनी बाहर पिटाई होगी ना। ये आ गया अपना वाटरफॉल, ये देखिए चढ़ाई देखिए भाई साहब। ये देखिए बारिश का पानी, इससे पता चलता है ऊपर बारिश काफी हो रही है। ये धीरे धीरे लैंडस्लाइडिंग का रूप ले लेगी। मोड़ पे हॉर्न दीजिए, आगे वाला भी धीरे हो जाएगा, आप भी सेफ रहोगे। एक मैंने गॉगल्स टक्स लगाई हुई है, थोड़ी सी कॉस्टली थी जो धूप में यूवी वगैरह जो भी होता है सारा कुछ लगाया, बट बारिश के टाइम पे उसके ऊपर ना बारिश की बूंदों का निशान छप जाता है, ये पता नहीं क्या चीज़ है। तो मेरे को दूसरी सिंपल वाली लगानी पड़ेगी, फुल तैयारी से चलाऊँ मैं, किसी भी चीज़ की मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, किसी भी चीज़ से सेफ्टी गियर्स वगैरह सब कुछ है, ये भी है, बट वो गीले हो जाएंगे उसका फ़ायदा कोई नहीं है। ये देखिए बारिश में व्यू देखिए भाई साहब, हम यहाँ पे 2 मिनट के लिए रुके थे भाई, ये नेचर है, ऑसम नेचर है। ये पानी आने लग गया, ऊपर से पहले ड्राई था, बारिश हो रही है ना अब। ये झरना है, ये नीचे खाई है, ध्यान से चलाया करो यहाँ पे, मैं बच्चे को बहुत बोलता हूँ। ये झरना चलने लग गया, सब कुछ चलने लग गया। उस बच्चे ने मेरी टैक्स गिरा दी 5000 की। अब भागता हुआ गया उठा के लाइए, देखो बच्चा काम नहीं करता ये सही तरीके से। ये देखो भाई साहब वादियाँ, जन्नत बोलते हैं इसको, जन्नत जो मालवा वाइडी इंजॉय कर रहा है। वाओ, और ये हाथी कभी साथ नहीं छोड़ेगा। हम पहुंच चुके हैं, 13 किलोमीटर रह गया डलहौजी, बाकी का रास्ता सेफ ही है, ये कुछ ही है जो 10-12 किलोमीटर है, बाकी सारा सेफ है। ये लो पकड़ो, ये ना बैग के साइड से मारो, टूट जाएगी। पहले छतरी गिरा दिया, उस पैक्स गिरा दी, बाद में हेलमेट गिरा देगा। फिर बैग गिरा देगा, फिर कुछ ना कुछ गिराता रहेगा। ये पकड़ो। ओके गाइस, बस क्या हो,
हम सुबह जल्दी निकले थे, हमें एक भी गाड़ी नहीं मिली रास्ते में। अब टाइम हो चुका है, सभी टूरिस्ट ऊपर आ रहे हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं ऊपर। तो सिंगल वे है, ध्यान से चलाए, हॉर्न देते रहे, कोई भी आता है तो स्लो हो जाता है। वाओ, लेह लद्दाख का रास्ता लग रहा है मेरे को तो ये। वाटर क्रॉसिंग, वाओ क्या रास्ता है, हाथी भी सांसें ले रहा है। जोर जोर से ले रहा है, जोर जोर से। वाओ, आई लव दिस वे। नीचे वाटरफॉल है, ये देखिए। ये था वो, yeah. वाओ, ये देखिए पहाड़ों का पानी कितना तेज हो चुका है। तो इसी की वजह से हम अब वापस जा रहे हैं। मुझे लगता है हमें प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। ये सभी जो दर्रे हैं बहने लग चुके हैं, पानी का प्रेशर बढ़ चुका है, तो नीचे जाना ही सेफ रहेगा। नेक्स्ट टाइम हम मैकलोडगंज का निकाल लेंगे ट्रिप, बट इस टाइम हमको ये कैंसिल करना ही पड़ेगा। अभी 7 दिन और चलेगी बारिश, कंटिन्यूसली दिखा रहा है। 25 सितंबर है आज, 30-31 अक्टूबर तक बारिश ही बारिश है। ये लैंडस्लाइड का कारण बनेगा अभी, मोस्टली जहाँ पे कच्चे होते हैं जो पेड़, वो गिरने लग जाते हैं। ये देखिए, वाओ, यहाँ से सेफ प्लेस शुरू हो जाता है, ऊपर से रेलिंग वगैरह आ जाती है राइट साइड पे, तो हम सेफ हैं अब। आपको मोस्ट डेंजरस प्लेस रोड दिखा चुके हैं। ये नीचे आ गया काला टॉप, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है काला टॉप की, देखना था, बट अब बारिश में जानवर भी अंदर छिपे होंगे, वो क्या करेंगे बाहर आके, तो कुछ दिखेगा नहीं, ऊपर से ही वो दिखाई जो दे रहा है वही देख सकते हैं। पानी दे रहा था पहाड़ों को लोग। ये हम एग्जिट कर रहे हैं अब यहाँ से, प्लीज़ विजिट अगेन, अच्छे मौसम में विजिट करेंगे दोबारा, फिर चंबा भी देखेंगे। चंबा भी देखना था हमने, पर बारिश हमें अलाउ नहीं कर रही। ओके, वाओ, सीरियस पैदल, धीरे चलाए धीरे। ये भाई को क्या हो गया, बीच में खड़ा ये। नीचे उतरना इजी होता है, भीड़ बरकरार रहती है, पावर लगती नहीं, टाइम भी कम लगता है। तो वाओ, यस, हम नीचे जा रहे हैं, ये बादलों के बीच फिर से आ गया हम। ये बादलों का ही हम मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि GoPro की बैटरी जल्दी ख़त्म हो जाती है, 1-1.5 घंटा निकालता है बस। तो मेन व्यू आपको दिखा रहा हूँ, बाकी आईफोन से कवर कर रहा हूँ ब्लॉग का। तो जितना भी मेन है वो कवर करेंगे, बाकी नीचे का जो होता है आने जाने का सीधा ग्राउंड पे, वो कुछ देखने का मज़ा नहीं आता। पठानकोट हो गया, जलंधर हो गया,
मेन जो यार यही वादियाँ होती हैं, यही वादियाँ मैं कवर अप कर रहा हूँ। उतार दिया, दिख तो रहा है आंखों में, एक मिनट लग रही है जोर जोर से। स्लोली 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 भाई साहब, हमने पूछा ऊपर, बारिश का मौसम ज़्यादा हो चुका है, रोडों पे बिल्कुल कल साफ थी, आज झरने बह रहे हैं रोड पे, तो हमें जाना चाहिए नीचे सेफ्टी के मद्देनज़र रखते हुए। भी दोबारा भी आ जाएंगे, कोई बात नहीं, बट बारिश लगातार हो रही है, वाटर फ्लो कहीं कहीं से, झरने जो होते हैं ड्राई थे, आज चल रहे हैं, काफ़ी स्पीड से चल रहे हैं, तो हम नीचे को जा रहे हैं घर को लुधियाना पे, पठानकोट वाया, तो हम रिस्क नहीं ले रहे। तो गाइस, इसके लिए सॉरी कि 3 डेज़ का ट्रिप अब 2 डेज़ का मैं कवर करके वापस जा रहे हैं। मैकलोडगंज का आपको नेक्स्ट 1 वीक और 2 वीक में दिखा देगा, दोबारा आ जाएंगे नेक्स्ट मंथ में। अभी बारिश का मौसम है तो बारिश दोबारा से स्टार्ट हो चुकी है, तो इससे इसकी वजह से हम इस ट्रिप को 2 डेज़ में ही ख़त्म कर रहे हैं। तो सॉरी गाइस, कोई बात नहीं, आपको जितना भी हो सका अच्छा व्यू दिखाया मैकलोडगंज खिजियार का, जो भी जंगल वगैरह काला टॉप वगैरह सारा कुछ हमने कवर अप किया है। तो थैंक यू गाइस, आप इस चैनल को देखते हो, सपोर्ट करते हो। पे कल बारिश बिल्कुल भी नहीं थी, कोई भी वाटर क्रॉसिंग नहीं हो रही थी, आज मेरे शूज़ सारे गीले हो चुके हैं क्योंकि पानी का बहाव इतना ज़्यादा है, रोड पे ऐसे कर रहा है, क्रॉसिंग कर रहा है। ये देखो पानी के बीच है, हम घने जंगलों में, हमारा हाथी ये दी रोड स्टार। वाओ, मैंने ये मस्त यार दूर से दिख जाते हैं, तो ये ब्लिंक करने चाहिए। ये फॉग देख रहे हो, ये बादल है सारे, देखिए बादल क्या बात है, क्या बात है। क्रॉसिंग ये कल बिल्कुल भी नहीं थी, आज मेरे शूज पानी में है पानी से भरे पड़े हैं, बस इसी की वजह से हमने कैंसिल किया। 2-3 जानों से पूछा अभी सेफ है नहीं सेफ है, वो बोलते हैं इधर से जाने का रास्ता ही जो है ना वो डेंजरस है, लैंडस्लाइड वाला है, तो आप रिस्क मत लीजिए। मैंने उनकी बात मान ली तो हम जा रहे हैं वापस। ओह
बाइक लेनी है जी। नहीं करना चाहिए, अगर आगे से कुछ आ जाए तो आपका सफर यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, क्या फ़ायदा उस चीज़ का। सब्र कीजिए, कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। ये कुछ आ चुका है, वाटर क्रॉसिंग देखिए, इसी की वजह से हमने प्लान कैंसिल किया है, ये कल बिल्कुल भी नहीं था। ये देखिए पानी सारा, ये भी ये देखिए चल रहा है, कल बिल्कुल ड्राई थे। ये एक एक पोर्शन चल रहा है, एक एक पोर्शन, इसकी वजह से हम इसको कैंसिल कर रहे हैं। ये देखो सारा भर चुका है, सारी रोड पे पानी आ चुका है, हर डे का ट्रिप हमारा कैंसिल हो चुका है इसकी वजह से। बारिश काफ़ी हो रही है अभी, हाँ स्पीड नहीं है इसकी बारिश की, बट ये एक लगातार कंटिन्यूसली चलती रहे ना, उसकी वजह से पानी इकट्ठा होने लग जाता है, फिर बारिश इकट्ठा हो के पहाड़ से नीचे एकदम से आने लग जाता है, बस उसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। ये बारिश हटती नहीं है पहाड़ों में, लगातार पड़ती रहती है, बस ये फिर लैंडस्लाइडिंग का कारण बन जाता है। बारिश नहीं है इतनी, खास भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई है। ये देखो सारी क्रॉसिंग हो चुकी है, शूज कल बिल्कुल ड्राई थे, आज बिल्कुल गीले पड़े हैं। काफ़ी हाइट पे है, 6,000-7,000 हाइट के ऊपर डलहौजी है फीट, वहाँ पे 2,050 मीटर से लिखा था हाइट, उसकी हाइट काफ़ी है उसकी, ठंड बिल्कुल चिल्ड ना हुआ वो, अभी भी मेरे को ठंड लग रही है, थोड़ा सा गिला हो तो ऊपर, बट बिल्कुल ठंड थी, चिल्ड वेदर था वो। बहुत सारी है, यहाँ से चलेंगे, गाड़ी वाला हम पे चीजें मार गया। मेरा कैमरा उसका बंदा आपको दिखाता, उसने ऐसे प्रेशर से हमारे फेंका ना ऊपर, बट क्या होता है, बढ़िया इधर बिल्कुल साफ पानी है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। देखिए गाइस, पानी, वाटरफॉल्स, बादल, सारे बादल हैं नीचे। तो अब पहले वाटरफॉल एक दिखा, अब सारे वाटरफॉल बन गए हैं। और सारे वाटरफॉल ही बन गए बारिश की वजह से। एंजॉय
इंजॉय फुल किया आपने ट्रिप को, आप भी करना इस ट्रिप को, और क्या करना मत भूलिएगा, आपकी स्पोर्ट चाहिए है। बादल, वाओ बादल, देखिए बादल, क्या बढ़िया रास्ता है ये, देखो वाटरफॉल गिर रहे हैं ऊपर से छोटे छोटे, ये देखो इधर भी सड़क पे पानी बह रहा, और वादियां देखिए, वाओ वादियां देखिए, जाइए भाई साहब जाइए, हमें कोई जल्दी नहीं करता, ऐसे फेंका उसने पानी, बहुत ज़्यादा था पानी लगा और फेंकता गया वो बहुत मज़ा आया, वाटर प्रूफ चीज़ें वो पैसा जरूर लगता है, बट फीलिंग देता भाई, पैसे नहीं देता वो। ऐसा वेदर होना चाहिए घर पे मज़ा आ जाएगा भाई साहब, मैं छली ढूंढ रहा था यहाँ पे, छली वाला कोई भी नहीं मिला मेरे को।